नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो किसी भी फाइनेंस क्रिएटर ने शायद नहीं बताई हो, बिकॉज हर एक इंसान पैसे कमाने की रेस में लगा हुआ था। देखिए, एक ऐसी थियोरी बोलती है, इफ यू कांट अफोर्ड इट यू कांट अफोर्ड इट, दैट्स इट। मतलब अगर आप कैश में वो चीज नहीं खरीद सकते हो तो वो चीज फिलहाल आपके अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। कोई भी ऑफर, कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई, कोई भी रिलैक्स टर्म्स आपको ये नहीं बता सकती कि आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो। एंड चलिए आज तीन ऐसे रीजंस आपको देता हूँ कि वाई यू शुड नॉट यूज अ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। देखिए, सबसे पहला है मनी इल्यूजन। ये मेरे साथ भी हुआ है। आई हैव ओवर स्पेंट बिकॉज आई हैड अ क्रेडिट कार्ड। अब थैंकफुली ओवर स्पेंट इतना भी नहीं था कि मैं डिफॉल्ट कर गया या फिर मुझे अमाउंट को रोल ओवर करना पड़ा, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स आपको एक फीलिंग देते हैं कि आपके पास पैसा। आप देखिए, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। चलो, अब समझो आप एक नया फोन लेने वाले हो। उसके लिए आपने बहुत मेहनत करके 20,000 रुपये इकट्ठा किए हैं एंड आपने अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, लेकिन आपके पास एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो आपको बोलता है आपको फोन खरीदने पे 1,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो आप नेचुरली कार्ड को स्वाइप करते हो और जाके अपना फोन तुरंत ले लेते हो। अब देखो क्या होता है, आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उस पर एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 20,000 रुपीज की, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में भी 20,000 रुपीज पड़े हैं। तो अब आपको क्या लगता है, आपके पास फोन भी है और आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये हैं। आपकी ड्यू डेट है 40 दिन के बाद, लेकिन आपको एक फीलिंग आ रही है कि मेरे बैंक अकाउंट में अभी भी 20,000 रुपये पड़े हैं, तो चलो 1,000-2,000 की और शॉपिंग कर लेते हैं। फिर ये 1,000-2,000-5,000 बन जाते हैं। अब ड्यू डेट आती है और आपके पास शायद सिर्फ 10,000 रुपये बचे हैं एंड आपको 20,000 का बिल भरना है, तो आप अमाउंट को रोल ओवर कर दोगे। आप बोलोगे मैं 10,000 अभी भरता हूँ, बाकी 10,000 अगले महीने भरूंगा। और जब अगले महीने आप भरते हो, आपको उस पर 40-50% का इंटरेस्ट रेट लगता है एनुअल बेसिस पे। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मेरे पापा ने अपने शादी के बाद अपने 3 से 4 क्रेडिट कार्ड्स को काट के फेंका था, बिकॉज हिज फाइनेंशियल हैबिट्स वर बिकमिंग वेरी बैड बिकॉज ऑफ दीज क्रेडिट कार्ड्स। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो मनी इल्यूजन से सफर कर रहे थे। नंबर टू है नो कॉस्ट ईएमआई का सबसे बड़ा झूठ। देखिए, मैंने पहले कहा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उस चीज को मत खरीदिए। एक सिंपल रूल को आप याद रख सकते हैं कि अगर आप कोई चीज 3 बार कैश से खरीद सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन अफोर्ड इट। इन दैट केस आप नो कॉस्ट ईएमआई करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे का भी एक कड़वा सच बताता हूँ। आपको सेल्समैन बोलेगा 30,000 का फोन है, पर मंथ 10,000 रुपये दीजिए, नो कॉस्ट नो इंटरेस्ट ईएमआई। लेकिन अब देखिए, एक्चुअली क्या होता है, फोन होता है रफली 28,000 का, लेकिन आपको बताया जाता है 30,000 और 10,000 की 3 ईएमआई। तो आपको लगता है कि वो नो कॉस्ट है, लेकिन 28,000 का फोन आप 30,000 में खरीद रहे हो, जो 2,000 रुपये हैं वो इफेक्टिवली इंटरेस्ट है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बहुत से केसेस में आपको कंपनी ये भी बोलेगी कि नो कॉस्ट ईएमआई है एक्चुअली, मतलब फोन की एमआरपी है 30,000, आपको दे भी रहे हैं 30,000 में, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेसिंग फी लगाई जाती है। बहुत बार वो बोलेगी कंपनी 1% से 1.5% की आप प्रोसेसिंग फी पे कर दो। अब ये प्रोसेसिंग फी क्या होती है, इंटरेस्ट। इन सम वेरी रेयर केसेस नो कॉस्ट ईएमआई सच में नो कॉस्ट हो सकती है, लेकिन देयर यू हैव टू रिमेंबर द रूल, इफ यू कांट पे कैश फॉर इट यू कैनॉट अफोर्ड इट। प्लीज नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में मत पड़ना। एंड नंबर 3, ये मैंने पहले भी बताया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी कोई चीज नहीं होती। देखिए, आज के जमाने में जो सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स है, ये एक क्रेडिट लाइन है, यानी कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे एक पर्सनल लोन आता है जो आप सिर्फ एक कार्ड के थ्रू यूज करते हो, यानी कि ये एक ऑफिशियल टर्म्स में क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो ज्यादातर के बैंक्स ही ऑफर करते हैं एंड बैंक्स किसी को भी क्रेडिट कार्ड नहीं देते, बिकॉज बैंक्स का एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है। ज्यादातर केसेस में जब स्टूडेंट्स बैंक से बोरो करते हैं तो इट यूजुअली एंड्स इन अ डिफॉल्ट, दैट इज मनी इल्यूजन की वजह से वो ज्यादा खर्च करते हैं एंड वो फंस जाते हैं। इसी की वजह से ये सारे स्टार्टअप्स आए। बैंक्स लोगों को क्रेडिट कार्ड इजीली नहीं देती, तो चलिए हम स्टार्टअप बना के हम दे देते हैं, लेकिन हम उसको क्रेडिट कार्ड नहीं बोलेंगे, शायद सुपर कार्ड बोलेंगे, 1/3 कार्ड बोलेंगे। एंड नाउ हियर्स द थिंग, आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, लेकिन ओनली इफ यू आर एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल विद इट। लाइक अगर आप वो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो कि अगर मैं इसको कैश से खरीद सकता हूँ तो ही आई कैन अफोर्ड इट, अगर आप बहुत ही सर्टन हो अपने दिमाग में कि मनी इल्यूजन से सफर नहीं करोगे, तो शायद आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। बिकॉज देखिए, इन सारे डाउनसाइड्स के साथ एक अच्छा एडवांटेज भी होता है कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स है वो आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव करते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ज्यादातर वीडियोज के अंदर मुझे कमेंट ये आती है कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे नंबर 1 क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो अगर आप जानना ही चाहते हो कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है, तो वो ये है कि डेबिट कार्ड, सिर्फ वही खर्च करना जो आप सच में अफोर्ड कर सकते हो। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं हर एक हफ्ते थर्सडे और मंडे को नए वीडियोज अपलोड करता हूँ। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।